हेलो एवरीवन, आज हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्कशीट नंबर 16, साइंस क्लास 8। तो ये है 9 सितंबर। टुडे वी विल नो अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में सीखेंगे। पहला, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे रिएक्ट करती है? जनरली मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिलीज करते हैं, होते हैं यूज, तो वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, यानी मेटल प्लस ऑक्सीजन फॉर्म करता है मेटल ऑक्साइड, जैसी कि हमें इस साइंटिफिक फॉर्म में दिखा रखा है। अब इन प्रीवियस क्लास हमने पिछली क्लास में लर्न किया बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन्स को बर्न करना। तो क्या फॉर्म होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। विच इज इन द फॉर्म ऑफ वाइट ऐश। ये किस फॉर्म में होता है? ये वाइट ऐश की फॉर्म में होता है। व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज कैप्ड ओपन इन द एयर। जब किसी जो आयरन ऑब्जेक्ट है उसे एयर में खुला रखते हैं, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एयर के मॉइस्चर से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसे कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। उसकी वजह से क्या होता है? ये चीज बेकार हो जाती है। जब आयरन यानी Fe प्लस ऑक्सीजन O2 प्लस वाटर H2O फॉर्म करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो ये आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। इसी तरह से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो आगे देखते हैं। आगे, व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर एयर फॉर लॉन्ग टाइम। जब कॉपर वेसल को एक लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है एक खुले एरिया में, ये अपने ऊपर एक ग्रीन कोटिंग चढ़ाता है। द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है कॉपर कार्बोनेट का, जो कि इस इक्वेशन से हमें बताया गया है। कॉपर हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के रिएक्ट होने से ये कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनते हैं। अब आगे, विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी की हेल्प से, लेट फाइंड आउट वेदर द नेचर ऑफ द ऑक्साइड इज मेटल ऑफ एसिडिक और बेसिक। अब हम डिस्कस करेंगे कि एसिडिक है या बेसिक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें आयरन चाहिए, एक टर्मरिक पेपर चाहिए, इंडिकेटर के रूप में लिटमस पेपर चाहिए रेड या ब्लू, और एक टेस्ट ट्यूब चाहिए। कलेक्ट द रस्ट ऑफ आयरन इन अ टेस्ट ट्यूब। अब जो रस्ट है उसे एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करें। अब ट्राई टू डिजोल्व इट इन वाटर। इसे वाटर में डिजोल्व करें। रस्ट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। ये वाटर में नहीं मिलेगी। यू कैन टेक मैग्नीशियम ऑक्साइड इंस्टीड ऑफ रस्ट। रस्ट की जगह आप मैग्नीशियम ऑक्साइड ले सकते हैं। शेक द मिक्सचर। अब इस मिक्सचर को मिलाएं। टेस्ट इट सेपरेटली विद ब्लू लिटमस। अब इसे ब्लू लिटमस से पहले चेक करें, तो रेड लिटमस और ब्लू लिटमस और टर्मरिक पेपर से। तो स्टार्ट करते हैं। फिर क्या होगा? हमें मिलेगा दैट रस्ट जो है वो रेड लिटमस पेपर से ब्लू हो जाएगी और टर्मरिक इंडिकेटर जो है वो टर्न हो जाएगा रेड। Therefore, we can say that metal oxide are basic in nature. अब reaction with water. Water से क्या reaction होता है? Metal reacts with water and produce metal oxide and hydrogen. ये metal के संग react करके hydrogen और metal oxide बनाते हैं। यानी metal plus water, metal oxide plus hydrogen produce होती है। अब sodium metal is highly reactive. Sodium बहुत ही reactive होता है। ये बहुत जल्दी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर के संग, इसलिए इसे केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। अब सम मेटल्स लाइक आयरन रिएक्ट स्लोली विद वाटर। ये वाटर के संग बहुत धीमे धीमे रिएक्ट करते हैं। गोल्ड रिएक्ट ही नहीं करता वाटर के संग। और वी कैन से दैट ऑल मेटल रिएक्ट्स विद वाटर एट डिफरेंट रेट। यानी सब अलग अलग तरह से वाटर के संग रिएक्ट करते हैं। अब क्वेश्चन, Why sodium metal is kept stored in kerosene oil? Because sodium metal is kept in kerosene oil because sodium is very reactive with water and air.
व्हाट इज फॉर्म व्हेन मैग्नीशियम इज बर्नड इन एयर? व्हेन मैग्नीशियम इज बर्नड इन एयर इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वेयर्स व्हाइट एश. व्हाई आर आयरन डोर्स एंड विंडोज गेट पेंटेड? टू प्रोटेक्ट द आयरन फ्रॉम रस्टिंग. अब व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड? दे आर बेसिक. तो आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय.